गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है GNDU इवन सेमेस्टर एग्जाम्स के रिजल्ट को लेकर कि अभी अभी एक और क्लास का रिजल्ट पब्लिश हो चुका है GNDU की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो चलो जल्दी से हम आपको चेक करके बताते हैं कि कौन सी क्लास का रिजल्ट आया है। तो सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउजर में जाके गूगल में जाके सर्च करना है GNDU रिजल्ट। जैसे आप सर्च कर लोगे तो आपके सामने जो फर्स्ट साइट ओपन हो जाएगी online.gndu.ac.in, जहाँ रिजल्ट का वहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी स्क्रीन पे ऐसा पेज खुल जाएगा, तो आपने नीचे जाना, स्क्रॉल करना है, रिजल्ट वाली सेक्शन में जाके सेमेस्टर सिस्टम न्यू जहाँ लिखा वहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद फाइनल रिजल्ट वाला पेज आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। तो चलो जल्दी से हम आपको चेक करके बताते हैं। सबसे पहले अपने ईयर पर क्लिक करना है, 2023 को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपने मंथ पर क्लिक करना है, मई मंथ को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपने कोर्स टाइप पर क्लिक करना है, CBES न्यू को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने सेलेक्ट क्लास पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सभी क्लासेस शो होने लग पड़ेंगी जिन जिन क्लासेस का इवन सेमेस्टर का रिजल्ट पब्लिश हो चुका है। तो अभी अभी जिस क्लास का रिजल्ट आया है वो है, थोड़ा सा नीचे जाना आपने, स्क्रॉल करना है, वो है MSc इकोनॉमिक्स USHS। तो सिंपली आपने इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद सेलेक्ट सेमेस्टर पर आपने क्लिक करना है और ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट पब्लिश हो चुका है। फोर्थ सेमेस्टर का पहले ही आ गया था, अभी अभी सेकेंड सेमेस्टर का भी आ गया है। तो सिंपली सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद रोल नंबर भर के सबमिट कर देंगे, आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पे होगा। ऑल दी बेस्ट सभी स्टूडेंट्स को। उम्मीद है कि आप सबका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया होगा और सभी स्टूडेंट्स पास होंगे। और जैसे ही किसी और क्लास का या फिर किसी सेमेस्टर का रिजल्ट आता है तो हम आपको अपडेट दे देंगे। आप सब इस चैनल के साथ जुड़े रहें, तब तक इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। थैंक यू।